प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सत्ता में 9 वर्ष पूरे होने को लेकर हुई पत्र परिषद में गडकरी ने कहा कि देश में 60 साल कांग्रेस की सत्ता रही और लगभग 15 साल भाजपा और मित्र दलों को मिले हैं। इसमें भी पिछले 9 सालों में देश में तेजी से विकास हुआ है। इन दोनों कार्यकाल की तुलना करने पर असली विकास कब हुआ और किसने किया, ये पता चलता है। पत्र परिषद को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राज्य में राजनीति के गिरते स्तर को लेकर उठ रहे तमाम तरह के सवालों के बीच केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राजनीति के नए सिरे से व्याख्या करने की आवश्यकता है। राजनीति केवल पैसे कमाने का धंधा नहीं हो सकती है। राजनीति का मतलब सत्ता कारण और सत्ता कारण का अर्थ लक्ष्मी दर्शन हो ही नहीं सकता है। राजनीति यानी समाज कारण, विकास कारण और राष्ट्र कार्य होने की बात ध्यान में रखना जरूरी है। आगामी समय में देश के समक्ष चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए यही सामाजिक और आर्थिक बदलाव का साधन होगी। उन्होंने कहा कि नागपुर सहित देश के बड़े शहरों का प्रदूषण मुक्त होना जरूरी है। इसके लिए ही अगले 5 सालों में पूरे देश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया है। नागपुर में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें लाने की घोषणा भी उन्होंने की। गडकरी ने कहा कि देश के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वर्तमान में 7.5 लाख करोड़ रुपए का है। सार्वजनिक जीएसटी देने वाला यह क्षेत्र है। शीघ्र ही यह आंकड़ा 15 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने की बात उन्होंने कही। जो केवल फल बर्थडे खाएंगे आदमी नहीं खाएगा, ऐसा पार्क बनाने की शुरुआत की है। हमारे यहाँ विशेष रूप से नागपुर शहर को सुंदर करने के लिए जो योजना हुई वो तो सब आपने देखी है। इसमें से नाकबंदी की योजना 2400 करोड़ की है जो मंजूर हो गई है, भूमि पूजन भी हुआ है, अब काम को जल्दी शुरुआत हो गई। मेट्रो का सेकंड फेज भी मंजूर हो गया है। ब्रॉडगेज मेट्रो अभी तक रेलवे की तरफ से उसकी क्लियरेंस सिस्टम पर चर्चा है, क्लियर होने के बाद वो भी काम शुरू होगा। ओवरऑल जो कुछ काम हुआ है उसकी अगर तुलना करेंगे तो 75 साल देश के महान है अमृत महोत्सव। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में करीब 4-4.5 साल का पीरियड उनके नेतृत्व में देश में काम करने का मौका NDA को, भारतीय जनता पार्टी को मिला। और उसके पहले 2-2.5 साल जनता पार्टी के समय नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी और अब ये 9 साल, तो ये पकड़ कर 15 साल भी अगर हमने बाजू में रखे तो करीब 60 साल कांग्रेस पार्टी को मिले। ग्राम पंचायत कांग्रेस की, महानगर पालिका कांग्रेस की, महाराष्ट्र राज्य में कांग्रेस, केंद्र में कांग्रेस, तो 60 साल कांग्रेस के। और करीब आज बाकी तो बातों में मैं नहीं जाऊँगा, पर 9 साल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की। इसका जो कंपैरिजन होगा देश में होगा, राज्य में होगा, नागपुर में होगा, नागपुर जिले में होगा, वो पूरा लेखा जोखा आपके सामने है। और मैं विशेष रूप से आप सबको ये बताकर समय गवाने के बजाय मैं मेरे वेबसाइट पर आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के 1 घंटे के अंदर पूरी डिटेल डाल दूँगा ताकि आप इसका उपयोग कर सकेंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है जिसमें आप लोगों को पता है कि हमारी सरकार जब आई तो केवल गरीब लोगों के 3.5 करोड़ अकाउंट हमारे देश में थे और आज मुझे बताते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि हमारे देश में 48 करोड़ बैंक में खाते खुले हैं। और इसके कारण छोटा छोटा योजना जाता है, इसके कारण ग्रामीण क्षेत्र की जनता को काफ़ी बड़ा फायदा हुआ है। इसके साथ जो वयश्री योजना आई जिसका एक कार्यक्रम आपने नागपुर में देखा, जिसका वर्णन यह आया था कि हमने हमारे यहाँ के दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से हमने 36 करोड़ का साहित्य करीब 38,000 लोगों को बांटने का काम किया और उनके जीवन को एक प्रकार से बदलने की कोशिश हुई। तो यह वयश्री योजना का एक ही कार्यक्रम नहीं हुआ, तो ऐसे अनेक कार्यक्रम देश में हुए और पहली बार दिव्यांगों के बारे में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन,
एसटी स्टेशन में नियम बनाए गए, उनको चढ़ने के लिए, उनके टॉयलेट के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की गई। आयुष्मान भारत योजना में करीब 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक पर फैमिली को हॉस्पिटल में ऐसा पूरा कॉम्पेंसेट पैसा होता है, और 27 करोड़ इसमें अकाउंट खोले हैं। पीएम उज्ज्वला योजना में आपको पता है कि हमारे यहाँ कोयले के ऊपर, लकड़ी के ऊपर चलता था, अब इस योजना में 9.6 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए गरीब लोगों को, ताकि प्रदूषण भी कम हुआ और आंखें भी कैटरेक्ट होता था, क्योंकि धुएं के कारण बहुत घर में नुकसान होता था। जब हम जाते थे कई गांव में तो धुआं ही दिखता था, आज वो धुआं भी दिखता नहीं, ना लकड़ी जलती ना कोयला जलता। आज सही अर्थ में उज्ज्वला योजना में गैस के कनेक्शन मिले। जनधन योजना का मैंने अभी बताया कि आपको 49 करोड़ अकाउंट्स खोले हैं। अब उसमें उनमें कुछ लोगों को क्रेडिट कार्ड भी मिला, उनके साथ साथ उनको लोन भी मिला, और एक प्रकार से हजारों करोड़ का डिपॉजिट गरीब लोगों का बैंकों में आया। फिर स्वच्छ भारत अभियान, इसमें 11.72 करोड़ टॉयलेट्स बनाए। मुझे बहुत खुशी है कि अभी हमने दिल्ली में रिंग रोड में करीब 20 लाख टन कचरा रोड पर डाल दिया। अहमदाबाद डोलेरो हाईवे में 30 लाख टन अहमदाबाद का कचरा डाल दिया, और अब हम पॉलिसी तैयार कर रहे हैं कि कचरे को सेग्रीगेट करके उसका रोड में उपयोग करेंगे। तो पर्यावरण के दृष्टि से इस प्रकार के अनेक इनिशिएटिव मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान के निमित्त लिए गए। नागपुर में भी स्वच्छ भारत अभियान में हमारा भी नंबर काफ़ी ऊपर आया, और नागपुर ये पहला देश है, पहला प्रदेश है, पहला शहर है कि हमारे यहाँ का टॉयलेट का पानी रिसाइकलिंग करके, जब अनिल सोले महापौर थे तब से हम MSME को पावर जनरेशन के लिए पूरा लिखा प्रक्रिया दे रहे हैं। इसके साथ पीएम किसान सम्मान निधि, इसमें 6000 करोड़ पर ईयर 3 इंस्टॉलमेंट में करीब 11 करोड़ किसानों को ये पैसा जाता है। उसमें 80% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC है। मुद्रा योजना, इसमें 40 करोड़ बेनिफिशरीज हैं, और इसमें माइक्रो क्रेडिट रेडी पटरी वाले छोटे छोटे लोगों को काफ़ी लोन मिला है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि एक मेरी पत्नी कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष, मैंने उनको आग्रह किया कि ई रिक्शा खुद दो, तो उन्होंने कहा कि पैसे डूब जाएंगे, तो उन्होंने मेरे कहने पर 300 ई रिक्शा को फाइनेंस किया। तो 300 के 300 लोग ईमानदारी से पैसा भर रहे, कोई डिफॉल्ट नहीं कर रहा। हमारे कृष्णा पोपड़े जी आमदार, उनकी क्रेडिट सोसाइटी है, उन्होंने भी कम से कम 700-800 ई रिक्शा को फाइनेंस किया। तो एक प्रकार से गरीब लोगों को बड़े प्रमाण पर इस समय मुद्रा योजना में फाइनेंस मिला, पानीपुरी वाला, भेलपुरी वाला, चाइनीज रेस्टोरेंट वाला। तो एक प्रकार से इन लोगों के जीवन में मुद्रा योजना के कारण बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और आपको पता होगा कि मैं जब MSME का मंत्री था तो हमने एक ऐसी स्कीम बनाई कि भारत सरकार से हमने बैंकों को एश्योर किया कि 5 लाख करोड़ का लोन जो है, यानी इसको हम लोग आपके लोन को इंश्योर करेंगे, और इंश्योरेंस ट्रस्ट में हमने वो पैसा भरा और उसका इंश्योर किया ताकि पैसा डूबता है तो हम भर के देंगे। तो 5 लाख करोड़ इन योजनाओं में बांटे जा रहे, जो श्योर गारंटी है उसकी कि बैंकों के उस पर उसकी कोई दायित्व नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक 3 करोड़ लोगों को घर मिले हैं। करीब नागपुर में भी अभी तक कितने होंगे, 4.5 नागपुर में भी हमने प्रधानमंत्री। NBCN न्यूज के लिए राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।